हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग। आज हम इस वीडियो में देखेंगे पैरामेडिकल कोर्स क्या है, पैरामेडिकल कोर्स में प्रवेश कैसे लें, पैरामेडिकल कोर्स के लिए क्या योग्यता चाहिए, पैरामेडिकल में कौन कौन से कोर्स हैं, पैरामेडिकल कोर्स के कॉलेज लिस्ट कौन कौन सी हैं। तो मैं इस वीडियो में पूरा एक एक करके बताऊँगी, तो मेरे इस वीडियो को पूरा ज़रूर लास्ट तक देखते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पैरामेडिकल कोर्स क्या होता है? द कोर्सेज विच सपोर्ट मेडिकल वर्क बट डू नॉट रिक्वायर अ फुल्ली क्वालिफाइड डॉक्टर्स। इट मीन्स यहाँ पर पैरामेडिकल कोर्स का मतलब हमने समझा मेडिकल वर्क में जो सपोर्ट करते हैं, बट यहाँ पे क्वालिफाइड डॉक्टर हो ज़रूरी नहीं है। तो ये क्या क्या हो सकते हैं? नर्सिंग, रेडियोग्राफी, इमरजेंसी फर्स्ट एड, फिजियोथेरेपी एसेट्रा आर कॉल्ड पैरामेडिकल कोर्सेज। देयर कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज इमरजेंसी और प्री हॉस्पिटल सर्विस। देयर आर डिप्लोमा पैरामेडिकल कोर्सेज एज वेल एज डिग्री कोर्सेज टू। बट यहाँ पे मैं ये बता दूँ, पैरामेडिकल कोर्सेज में आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स का भी ऑप्शन है, डिप्लोमा कोर्स का भी ऑप्शन है जो आप 10th के बाद कर सकते हैं, डिग्री कोर्स का है और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स का भी है जो कि आप ग्रेजुएट के बाद कर सकते हैं और 12th के बाद डिग्री कोर्स कर सकते हैं। एम्स कंडक्ट देयर ओन एंट्रेंस टेस्ट फॉर पैरामेडिकल कोर्सेज। देयर आर डिप्लोमा पैरामेडिकल कोर्सेज आफ्टर कंप्लीटिंग 10th एंड पैरामेडिकल सर्टिफिकेट कोर्स 2। यही मैंने आपको बताया कि जो डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स रहते हैं पैरामेडिकल के, आप वो 10th के बाद भी कर सकते हैं। सम पैरामेडिकल कोर्सेज आर वेरी फेमस सच एज नर्सिंग डिप्लोमा इन OT टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्निक, BSc इन रेडियोथेरेपी एंड मैनी मोर। तो यहाँ हमने जाना पैरामेडिकल कोर्स मीन्स जनरली जो डॉक्टर्स को सपोर्ट करते हैं, बट वो क्वालिफाइड डॉक्टर हो ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल नर्सिंग, रेडियोग्राफी, इमरजेंसी एसेट्रा एसेट्रा। अब हम देखते हैं इस कोर्स के लिए हमें क्या करना होता है। सेकेंड पॉइंट हमने क्या देखा? फर्स्ट पॉइंट हमने देखा पैरामेडिकल कोर्स क्या है। सेकेंड हम देखते हैं पैरामेडिकल कोर्स में प्रवेश कैसे लें। देखिए, पैरामेडिकल कोर्स में प्रवेश लेने के लिए आपके पास आवश्यक दस्तावेज मीन्स ये DIA डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, लाइक 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी और जाति प्रमाण पत्र, और जो भी अगर आप ये सब कुछ हैं तो ये सब तो आप जानते हैं काउंसलिंग में जो लगता है। अब बात सवाल ये आती है कि ये जो काउंसलिंग है वो कौन कराता है, मतलब सेकेंड में जो पैरामेडिकल कोर्स में प्रवेश कैसे ले में, इसमें ये है कि आपको काउंसलिंग के थ्रू कॉलेजेस में एडमिशन लेना होता है और जो काउंसलिंग है वो आपकी CGDME करवाती है, यानी कि छत्तीसगढ़ डॉक्टरेट मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल काउंसलिंग। जो भी अभी आपकी BSc नर्सिंग की जो काउंसलिंग कंडक्ट करवा रही है वही सेम है जो आपका काउंसलिंग कंडक्ट करवाएगी पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए। अभी इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, आगे चल के आएगा नोटिफिकेशन। सेम प्रोसेस रहेगा, जैसे आप BSc नर्सिंग के लिए फॉर्म भरे हैं वैसे आपको फॉर्म भरना है और कॉलेज में एडमिशन लेना है, कॉलेज प्रेफरेंस भरना है काउंसलिंग का फॉर्म, जो कि CGDME ही कंडक्ट करवाएगी। ये आपने समझा। अब तीसरा पॉइंट क्या है, पैरामेडिकल कोर्स के लिए क्या योग्यताएँ चाहिए? तो इसके लिए आपके पास क्लास 12th पास होना चाहिए पहली चीज़, अगर आप डिग्री का कोर्स करना चाहते हैं तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये होना ही चाहिए आपके पास। ओके, अब हम देखते हैं फोर्थ पॉइंट, पैरामेडिकल में कौन कौन से कोर्स हैं। तो पैरामेडिकल में यही सारे कोर्सेज होते हैं, लाइक फिजियोथेरेपी, ओकेशनल ऑक्यूपेशनल थेरेपी कोर्स, स्पीच थेरेपी कोर्स, ऑडियोलॉजिस्ट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, BCG टेक्नीशियन, साइटो टेक्नीशियन, ऑर्थो टेक्नीशियन, मोल्ड रूम टेक्नीशियन, गामा कैमरा टेक्नीशियन, ऑर्थोटिक टेक्नीशियन
ऑप्टोमेरिस्ट, ऑप्टोमेरिस एंड कॉन्टैक्ट लेंस टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन, एगियोग्राफी टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन ह्यूमन न्यूट्रिशन, डायलिसिस टेक्नीशियन, इंसुलेशन थेरेपी टेक्नीशियन, हेल्थ इंस्पेक्टर कोर्स, हॉस्पिटल मेडिकल रिकॉर्ड साइंस, कंपाउंडर, एलोपैथी, आयुर्वेदी, यूनानी, होम्योपैथी, कंपाउंडर इन बायोकेमी, डिप्लोमा इन क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, ऑप्टोमेट्री रिफ्रैक्शन, पैरामेडिकल, ऑप्थमेलिक असिस्टेंट, परफ्यूजनेजिस्ट, कार्डिक सर्जरी टेक्नीशियन। ये कुछ कोर्सेज हैं, और भी बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज होते होंगे जो आपको जब आप काउंसलिंग में भरेंगे तब आप कॉलेज चूज करेंगे तब आपको पता चलेगा। अब फिफ्थ पॉइंट हम समझते हैं, पैरामेडिकल कोर्स में कौन कौन से कॉलेजेस हैं। तो ये है एम्स रायपुर, जहाँ पे पैरामेडिकल कोर्स के लिए अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। पीजी कॉलेज ऑफ नर्सिंग भिलाई, आईटीएम यूनिवर्सिटी रायपुर, आयुष एंड हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी रायपुर, पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज रायपुर, श्री शंकराचार्य कॉलेज ऑफ नर्सिंग भिलाई, मदर टेरेसा कॉलेज ऑफ नर्सिंग दुर्ग, के बी पटेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग मनेंद्रगढ़, बेतनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग दुर्ग, सेंट्रल इंडिया कॉलेज ऑफ नर्सिंग राजनांदगांव। ये कुछ कॉलेजेस के लिस्ट हैं जहाँ पे पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर जो ये सारे जो कोर्सेज हैं इनमें से कोई कोर्सेज इन कॉलेजेस में चलते हैं। और भी बहुत से कॉलेजेस होंगे, जब आप काउंसलिंग में फील करेंगे तो आपको पूरा डिटेल वो कॉलेज के बारे में पता चलेगा और कौन कौन से कॉलेजेस हैं। यहाँ पे एक और कॉलेज है, रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। यहाँ पे कोर्स एंड फीस स्ट्रक्चर देखते हैं एक कॉलेज का। MBA इन हॉस्पिटल साइंस 2 ईयर का होता है, 35,000 फीस होती है और ग्रेजुएट चाहिए होता है। MBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट लेटरल एंट्री 1 ईयर, 35,000 ग्रेजुएट। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हॉस्टल मैनेजमेंट 1 ईयर, 35,000 ग्रेजुएट। MSc इन क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी 2 ईयर, 28,000 साइंस ग्रेजुएट। BSc इन क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी 3 ईयर्स, 25,000, 10+2 इन साइंस। BSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी 3 ईयर्स, 24,000, 10+2। BSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी लेटरल एंट्री 2 ईयर, 24,000, 10+2। डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी 1 ईयर, 20,000, 10+2। डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी 1 ईयर, 20,000, 10+2। डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी 1 ईयर, 20,000 फीस, 10+2। फीस पर सेमेस्टर फॉर 6 मंथ, मतलब ये पर सेमेस्टर की फीस है ये जो कॉलेज है रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की, रिम्स कॉलेज की। तो यहाँ पे आपने देखा पैरामेडिकल कोर्स क्या होते हैं, पैरामेडिकल कोर्स में प्रवेश कैसे लेना है, पैरामेडिकल कोर्स के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, पैरामेडिकल कोर्स में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, पैरामेडिकल कोर्स में कॉलेज छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी है, वो लिस्ट मैंने आपको दिखाया। और एक कॉलेज का मैंने आपको फ़ी स्ट्रक्चर दिखाया और कोर्स दिखाया। तो यहाँ पे इस वीडियो से आपने पैरामेडिकल के बारे में बहुत से डिटेल्स जाने होंगे, समझे होंगे। तो आई होप आप लोग को ये मेरा वीडियो समझ में आया होगा। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग को ज़रूर सब्सक्राइब करें आगे की वीडियो के अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये बात ध्यान रखें कि पैरामेडिकल कोर्स का जो काउंसलिंग है छत्तीसगढ़ में वो CGDME के द्वारा ही होगा, जो BSc नर्सिंग का अभी काउंसलिंग कंडक्ट करवा रही है। अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, आएगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। थैंक यू सो मच।